अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने तुर्की ट्रैवल किया था लास्ट मंथ। मैंने ना तुर्की में 13 डेज स्टे किया, तो उन 13 डेज में मुझे क्या क्या इश्यूज़ पेश आए और किन चीज़ों को आपको पहले से बताना चाहिए तुर्की ट्रैवल करने से पहले, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश आए वहाँ पर। सबसे बड़ा जो मेजर इशू होता है वो लैंग्वेज बैरियर का होता है। वहाँ जाके आप कम्युनिकेट बेसिकली करते हो लोगों से, इंग्लिश में कम्युनिकेट बेसिकली करते हो, उनको इंग्लिश नहीं आती। मोस्ट ऑफ द पीपल जो तुर्की में हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू फेस होता है। आप जहाँ जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, बसेस में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं आपको ये इशू पेश आता है। तो इसका सलूशन जो है वो मैंने कैसे निकाला था, और उसका बेस्ट सलूशन जो है वो एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है गूगल ट्रांसलेटर। आप सब लोगों को पता होगा मोस्टली। इसमें क्या होता है कि आप इंग्लिश में टाइप करते हो और ऑप्शन होते हैं आप किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हो। टर्किश लैंग्वेज का भी ऑप्शन होता है, तो आप उसे टर्किश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हो, वो ऑटो पे कन्वर्ट करता जाता है। आप उसको जिससे भी आपने कम्युनिकेट करना है वो उसको मोबाइल दिखाते हो कि यार ये बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ता है और अपनी लैंग्वेज में टाइप करके वो दोबारा इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बहुत बेस्ट सोल्यूशन है कम्युनिकेशन बैरियर को ख़त्म करने के लिए। तो गूगल ट्रांसलेटर ने मुझे काफ़ी हेल्प की हर जगह पे तुर्की में। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी जो है वो गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करें। दूसरा जो है इसी से लिंक कर रहा है, जो उनके साइन बोर्ड होते हैं, चीज़ें वगैरह वो बेचते हैं, मॉल्स में जाएं, कहीं भी जाएं, साइन बोर्ड वगैरह इन्फॉर्मेशन जो लिखी होती है वो उनकी लैंग्वेज में लिखी होती है। तो उसको आप बेसिकली कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी इसी एप्लीकेशन के थ्रू जो गूगल ट्रांसलेटर है उसमें कि ऑप्शन ये होता है कि आप जो कैमरा ओपन करें वो किसी भी बोर्ड के सामने आप उसे कैमरे को डायरेक्शन दें, कैमरा उसकी तरफ कर दें, देन वो क्या करता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ना इंग्लिश लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता है। तो आप इंफॉर्मेशन साइन बोर्ड वगैरह जो होती है वो आपको पता चल जाता है। अच्छा, एक और इशू जो आता है वो है ट्रांसपोर्ट का। इस्तंबुल कार्ड जो है वो इस्तंबुल में चलता है हर जगह पे। अगर आपके पास हुआ तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमें ना बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है इसमें इन्वॉल्व ना। तो एक तो ऑप्शन होता है टैक्सी का, लेकिन जो टैक्सी का ऑप्शन है वो काफ़ी कॉस्टली ऑप्शन है टर्की में। जो चीपेस्ट ऑप्शन है वो उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए आपने बेसिकली अपनी लोकेशन से जो आप जहाँ जाना चाह रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा कि यार कौन सी गाड़ी जाती है, कौन सी ट्रांसपोर्ट चलती है। तो उसका जो हल है वो एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है मूविट, MOOVIT। ये क्या करती है, आप अपनी लोकेशन डालते हो और अपनी डेस्टिनेशन डालते हो, जब क्लिक करते हो, ओके करते हो, तो वो क्या बता देता है आपको कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, ट्रैम्स, बसेस, मेट्रोज, ट्रेन्स, वो आपको सारे ऑप्शन बता देता है और कहाँ से चलेंगे और कितना टाइम आपको लगेगा और कितने मिनट बाद नई गाड़ी आ रही है। तो आपको ना ये काफ़ी बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है। आप इसे पाकिस्तान में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन लोकेशन ऑन करनी पड़ती है, वो यहाँ पे नहीं चलती, तो वो तुर्की में जाके चलेगी। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं इस्तंबुल को या किसी भी सिटी को तुर्की में, तो आप मूविट एप्लीकेशन ज़रूर यूज़ करें, इसको डाउनलोड ज़रूर कर लें और इसका यूज़ करें वहाँ जाके। अच्छा, एक और इशू जो है वो फूड का इशू आता है। उनके जो फूड है बेसिकली वो लेस स्पाइसी है, उसमें थोड़ा ऑयल वगैरह का इशू है, या कुछ वो ना थोड़ा स्मेल या टेस्ट आता है। तो हम साउथ एशियन जो हैं वो मसाले खाने वाले लोग हैं, तो वो हमें ना फूड इतनी पसंद नहीं आती। तो आप इसका सलूशन क्या है, आप ना स्पाइस, लिक्विड स्पाइस होती है अमेरिकन स्पाइस, वो लेके जा सकते हैं, या उनके जो एक स्पेसिफिक फूड है लाइक कबाब हो गए और टिक्का हो गया, बोटी, ऐसी चीज़ें हैं बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं, उनको बहुत अच्छी होती हैं, वो आप खा सकते हैं। दूसरा जो है उनकी जो स्वीट डिश है वो बहुत बेस्ट है, बेस्ट इन द वर्ल्ड है ना। आप स्वीट डिश उनकी ज़रूर ट्राई करें, जितनी भी हो सकती हैं ट्राई करें, वो बेस्ट हैं इनकी ना, बहुत बेहतरीन टेस्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें उनके स्वीट जितनी भी हैं।
अच्छा, एक और जो मेजर चीज़ है वो आप टूर्स बुक करते हैं। अब टूर्स आप वहाँ जा के लेंगे तो आपको बहुत कॉस्टली मिलेंगे ना। तो मैंने इसका सलूशन कैसे निकाला था, मैं इस्तांबुल में हूँ, तो यहाँ से मैंने बेसिकली ना सर्च करके गया था कि इस्तांबुल में कौन कौन सी ट्रैवल सर्विस कंपनीज हैं या ट्रैवल जो टूर गाइड्स कंपनीज हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको सर्च करके गया था। फिर हर इंडिविजुअल जो थी कंपनी उनका ना मैं बेसिकली उनके वेबसाइट पे जाके उनके टूर्स की प्राइस देख के और उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है व्हाट्सएप, वो मैंने लिया हुआ था और उनसे नेगोशिएट मैं करके गया था कि यार मैं इस टूर के इतने पैसे आपको दूंगा और इस दिन मैं आके लूँगा ना। तो पहले से मैंने जितने भी टूर्स थे वो यहाँ से बुक तो नहीं कराए थे, लेकिन उनसे नेगोशिएट करके गया था कि यार मैं इस दिन आऊँगा और आपके ये टूर लूँगा और इतने पैसे मैं आपको दूंगा। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी ट्रैवल एजेंट या कौन सी टूर कंपनी जो है वो कितना पैसा ले रही है, आप प्राइसेस का भी कंपैरिजन हो जाता है, फिर आप नेगोशिएट भी इजीली कर सकते हैं ना। तो आप भी जो है वो पहले से सर्च करके जाएं टूर कितने कौन कौन सी टूर कंपनीज हैं ऑपरेट कर रही हैं और कितनी प्राइस ले रही हैं, उनसे आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं ना। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो होटल बुकिंग का इशू आता है, ये कॉमन इशू है। इसका जो बेहतरीन हल है वो आप booking.com से जिस जगह पे भी आपने रहना है वहाँ से आप मल्टीपल होटल्स देख लेंगे ना कि किसकी कितनी प्राइस है। आपको ना होटल्स की प्राइस पता होगी, आप ऐसा कार्ड यूज़ करें जिसमें अमाउंट ना हो, आप ना रिजर्वेशन करा लें नो पेमेंट, पेमेंट ऑन ऑन द प्रॉपर्टी करके ना करा लें, और वहाँ जाके आप उसी एरिया में जाके ना आप डिफरेंट होटल्स में जाके खुद ही उनसे बात करें, क्योंकि वहाँ पे प्राइस डिफरेंट आ रही है। जो booking.com पे प्राइस होती है वो डिफरेंट होती है और वहाँ पे जाके आपको डिफरेंट प्राइस मिलती है, काफ़ी सस्ती मिलती है ना। तो वहाँ जाके आप बेसिकली एमरजेंसी के केस में आपने रिजर्वेशन कराई होगी लेकिन वो पे ऑन द प्रॉपर्टी होगी, आप वहाँ जाके ना निगोशिएट करके कम पैसों में अच्छा होटल ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो है आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन करा के जानी है। आपको ATMs काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपको ATM यूज़ करने पड़ेंगे, तो आपकी अमाउंट जो भी होगी पाकिस्तानी रुपीज़ होंगे या इंडियन रुपीज़ होंगे वो आप वहाँ पे जाके ना लीरा में बेसिकली आप कैश निकलवा सकते हैं ATM को यूज़ करके, अगर आपकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन है तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मस्ट है, आप ज़रूर ऑन करा के जाएँ। एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसपोर्ट आपने वो कौन सी यूज़ करनी है, मैं जो है वो फ्लाइट बुक कराता था एक सिटी से दूसरे सिटी, क्योंकि फ़्लाइट जो उनकी है वो काफ़ी चीप है। मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, पिगासस एयरलाइन है, टर्किश एयरलाइन है, आपको 4,000 से 5,000 में ना वन वे की टिकट मिल जाती है, काफ़ी चीप, कम टाइम में कंफर्टेबल सफ़र होता है, आप एक सिटी से दूसरे सिटी इजीली जो है वो जा सकते हैं बाय एयर। फ़्लाइट बुक करने की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। वैसे भी बहुत इजी होता है फ़्लाइट बुक कराना, आप उनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं और सेफ़ होता है, वहाँ पर अपना कार्ड की डिटेल देते हैं और अपनी टाइमिंग्स वगैरह और डेट्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं और आपकी टिकट आपके पास आ जाती है। अगर आपको कैंसिल कराना हो या चेंज कराना हो रूट, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, कस्टमर सर्विस उनकी काफ़ी अच्छी होती है, तो आप उनसे बात करके अपनी फ़्लाइट डेट या कैंसिल भी करा सकते हैं, रिफंडेबल भी होती हैं टिकट्स ना, प्राइस वगैरह आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी और जो मैंने एक्सपीरियंस किया टर्की में, तो आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं और न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप आप फ्यूचर में मैं अच्छी अच्छी वीडियोस और भी डालूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।